नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आई रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तीसरे चरण को लेकर रविवार को मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जिले भर में सुबह से मतदाता अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। दोपहर तक जिले भर में 37.9% मतदान हुआ, जो कि शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा की दृष्टिगत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण की स्थिति का जायजा ले रहे मतदाता भी विकास के मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। आइए लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता शिवू सैनी के पास, जो कन्नौज से इस वक्त सीधी जानकारी दे रहे हैं। कन्नौज से कैमरा पर्सन शिवम यादव के साथ शिवू सैनी की खास रिपोर्ट। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए यहाँ पर। कोई दो बच्चों में कोई विवाद ना हो सके, भाजपा में कोई विवाद ना हो, उसके लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के। कन्नौज पुलिस, बाहर की पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर। ये लड़की लड़कियों से बात कराएंगे, किस तरह मतदान करके आई हैं उनसे पूछेंगे। क्या कैसा फील हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हमारी सेफ्टी, नारी सशक्तिकरण को सोचते हुए हमने अपना वोट दिया। बहुत अच्छा लगा मतदान करके यहाँ पर। यहाँ भाजपा में कुछ बताए, बहुत अच्छा लगा भाजपा सरकार में। फिर चुनाव के लगातार कोई दिक्कत नहीं हुई थी भाजपा सरकार में, लड़कियों को बहुत ऊपर चढ़ने लगी। इसी लेकर कन्नौज 24 के लिए ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।